Let's start our final term, step number 1, English B. Today our topic is letter to your friend thanking him, her for hospitality during your visit to his, her house. आपने जब उसके घर विजिट किया तो उसने जो मेज़बानी जिस मेज़बानी से आपका जो वेलकम किया उसके बारे में आपने लेटर लिखना है. एग्जामिनेशन हॉल सिटी ए डॉट बी डॉट सी 18 सितंबर 2020. अपनी कॉमास और डॉट्स का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैसे होंगे. पैटर्न आपने बिल्कुल मार्जिन लाइन ड्रॉ के साथ मार्जिन लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे उसके साथ आपने पैटर्न लिखना है. डियर फ्रेंड कॉमा आई रीच्ड होम लास्ट संडे. मैं पिछले इतवार को घर पहुंची. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी एंड रीच्ड होम सेफ. कि मेरा जो सफ़र था वो बहुत आरामदेह था और मैं घर हिफाजत से पहुंची. आई मिस यू वेरी मच. मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ. आई स्पेंट वेरी गुड टाइम विद यू. मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा. आई एंजॉयड योर कंपनी. मैंने तुम्हारा साथ जो था बहुत इंजॉय किया, लुत्फ उठाया. आई शैल नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ बिरयानी एंड कोरमा यू कुक्ड वन डे. मैं कभी भी तुम्हारा जो बिरयानी और कोरमा जो तुमने बनाया था एक दिन उसका टेस्ट कभी भी नहीं भुला सकती. आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप टू मरी दैट यू स्पेशली अरेंज फॉर मी. मैं जो तुमने मेरे लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया मरी ट्रिप का उसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ. कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल फॉर देयर काइंडनेस एंड लव. मेरा मेहरबानी और प्यार जो है वो अंकल और आंटी को पहुँचाना, उनको शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना. दे रियली मेड मी फील एट होम. मुझे उन्होंने बिल्कुल ऐसा एहसास दिलाया जैसे मैं अपने घर पर हूँ. लास्ट योर्स सिंसियरली कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट जी. टू प्रैक्टिस ऑन योर नोटबुक एंड राइट ऑन दिस लेटर ऑन योर नोटबुक. टेक केयर.